सो हेलो सब गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड भाई लोग आगे भी अच्छे रहना। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मेरे डेली की न्यू वीडियो में। भाई लोग आज हम लोग बात करने वाले करेना फ्री फायर रिलेटेड से काफी सारे न्यू अपडेट्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में, हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर कौन सा होने वाला है, अगर नेक्स्ट इनक्यूबेटर वेपन आने वाले तो कौन सी वेपन होगी, अगर बंडल आएगा तो कौन कौन से बंडल देखने को मिलेंगे, और भाई लोग उसके साथ साथ भाई लोग आप सभी लोगों को कोबरा MP14 के रिटर्न से काफी सारे न्यू अपडेट निकल कर आ रहे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो आप समझ ही सकते हो कि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाई लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक बने रहना। भाई लोग चलो करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। लेकिन मेरे भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो थैंक यू सो मच भाई चैनल पर पहली बार आने के लिए। भाई लोग आज को दो जगह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो पसंद आए तो जैसे वीडियो को लाइक भी कर देना। आई होप कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। तो बिना किसी तरीके जल्दी से कहते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई लोग सबसे पहले बात करेंगे आखिर हमारे नजर में कौन से न्यू इवेंट देखने को मिलने वाले। आप सभी लोगों को सबसे पहला इवेंट निकल कर आ रहा है, आप सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइनली आप सभी लोगों को कुछ इस तरह का न्यू पेडेबल देखने को मिलने वाले बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर में। फाइनली बांग्लादेश सर में कंफर्म हो चुका है, बहुत ही जल्द बांग्लादेश सर में इस वीक के अंदर आप सभी लोगों को कुछ इस तरह का पेडेबल आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। लिटरली इस बार का जो पेडेबल होने वाला आप सभी लोग काफी ज्यादा ओपी वाला होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो, फाइनली आप सभी लोगों को पेडेबल के अंदर आर्टिक ब्लू का बंडल देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया फीमेल का बंडल भी देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा सबसे पहले बांग्लादेश सर में गैरेना फिलहाल के लिए न्यू इवेंट ऐड करती है, उसके बाद हमारे इंडिया सर में लेके आ जाती है। आप सब लोगों को पता ही होगा। तो भाई लोग आप सब लोगों को बहुत ही जल्द कुछ इस तरह का फेडरल देखने को मिलने वाले, तो डायमंड बचा के रखना। तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भाई लोग आप सब लोगों को और एक ओपी वाला न्यू इवेंट देखने को मिलने वाला है हमारे इंडिया सर में। आप सब लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख लो, फाइनली आप सब लोगों को इस इवेंट के अंदर आप सब लोग ट्रिपल ए कोलैबोरेशन का न्यू फीमेल का बंडल देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ भाई लोग आप सब लोग काफी ज्यादा ओपी की स्किन भी देखने को मिलने वाले। लिटरली इसके अंदर आप सभी लोगों को 9999 डायमंड भी देखने को मिलने वाले। बट आप सभी लोगों को बता दूं, अगर हमारे इंडिया सर में ये आता है तो काफी ज्यादा प्रॉफिट आप सब लोगों को देखने को मिलने वाले। बट आप सभी लोगों को सजेस्ट कर दूं कि ये स्पिन अभी फिलहाल के लिए रुकने वाली है नहीं। अगर स्पिन मारोगे तो आप सभी लोगों को 9900 डायमंड निकलने के काफी कम चांसेस है, ठीक है। भाई लोग आप सभी लोगों को जिस तरह का ट्रिपल ए कोलैबोरेशन का न्यू बंडल जो मिल का आने वाले, आप सभी लोगों को जिस तरह के इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी आ चुकी है। गिरेना एक एक करके सारे सर में कुछ इस तरह का इवेंट दे रही है। थाईलैंड सर में भी फाइनली कुछ इस तरह का इवेंट आया है, और भाई लोग आप सभी लोगों को कोरियन सर में भी कुछ इस तरह का इवेंट आया, तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ गए बहुत ही जल्द गिरेना हमारे सर में भी कुछ इस तरह का इवेंट लेकर आ जाएगी। गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। भाई लोग आप सभी लोगों को कुछ अलग ही तरह का न्यू इवेंट भी देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया हमारा न्यू बंडल देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो, फाइनली आप सभी लोगों को क्रेजी साइंटिस्ट का न्यू बंडल फाइनली आप सभी लोगों को कुछ इस तरह के इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बुया पार्टी इवेंट इस मतलब इस इवेंट का नाम रहेगा। भाई लोग आप सब लोग सिंपल से इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है, सिंपली गाइस गिरेना ने फिलहाल के लिए साइंटिस्ट वाला बंडल भी बना दिया, और कितना ज्यादा बढ़िया वाला साइंटिस्ट वाला बंडल बनाया भाई। क्रेजी साइंटिस्ट बंडल इस मतलब बंडल का नाम है, काफी ज्यादा बढ़िया वाला नाम है। तो बात कर लेते इसके कंफर्म डेट के ऊपर। भाई लोग आप सभी लोगों को कुछ इस तरह गाइस गिरेना ने इंडोनेशिया शहरों में कुछ इस तरह का इवेंट दे दिया है, और काफी ज्यादा चांस बढ़ बहुत ही जल्द हमारे नजर में भी गिरेना कुछ इस तरह का इवेंट लेकर आ जाएगा, और काफी ज्यादा ओपी वाला बंडल है। आप सब लोग इसको ओपन करोगे या नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो भाई लोग अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी MP14, ठीक है, कोबरा ईवो MP14 के ऊपर। भाई लोग आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो, फाइनली आप सभी लोगों को ये टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिला था, ठीक है, हमारे इंडिया में। बट आप सभी लोगों को फाइनली रिटर्न देखने को मिलने वाली कोबरा MP14, और किस इवेंट के अंदर आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो, फेडेड विल के अंदर आप सभी लोगों को कोबरा MP14 रिटर्न देखने को मिलने वाले। लिटरली इसके आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो, जितने भी कोबरा MP14 के मतलब रिलेटेड रिवर्ट्स है सारे के सारे आप सभी लोगों को इस फेडेबल के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो, सिंपल समय आप सभी लोग पता है कि टोकन टावर इवेंट में कितना डायमंड वेस्ट होता है, बट अगर ये फेडेबल के अंदर आ गया तो लिटरली आप सभी लोगों को काफी ज्यादा कम डायमंड और काफी सारे न्यू रिवर्ट्स आप सभी लोगों को बिल्कुल ही देखने को मिल जाएगा। तो वियतनाम सर में गिरेना ने फाइनली कोबरा MP14 का जो इस तरह का फेडेबल फाइनली दे दिया गया, और आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले ईवो गन यहाँ पे फिलहाल के लिए वियतनाम सर में आती है, उसके बाद गिरेना एक एक करके सारे एक एक सर्वर में देती है, उसी के बाद हमारा इंडिया सर्वर का भी नंबर कब लगे। तो भाई लोग हमारे बांग्लादेश में जब यहाँ पे कुछ इस तरह का फेडरल रॉयल आ जाएगा तब हमारे इंडिया में भी बहुत ही जल्द गिरेना फेडरल कुछ इस तरह का लेके आ जाएगी। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि गिरेना इस मंथ के अंदर आप सब लोगों को जिस तरह का फेडरल देखने को मिल जाएगा हमारे इंडिया सर में। भाई लोग हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आने वाली हमारे नेक्स्ट इंक्यूबेटर के ऊपर, जो हमारे इंडिया सर में कौन सा नेक्स्ट इंक्यूबेटर आने वाला है, वेपन का आने वाला है या फिर बंडल का आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पे बने हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जैसे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे भाई जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को देना ऑल पे सिलेक्ट, ताकि फ्री फायर रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट की आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो भाई लोग चलो फिर बढ़ते इंक्यूबेटर के ऊपर। भाई लोग आप सभी लोगों को हमारे नेसर में कौन सा नेक्स्ट इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बट आप सभी लोगों को हमारे नेसर में वेपन वाला इंक्यूबेटर देखने को मिल सकते, काफी ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं।
और कौन सी वेपन आएगी आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो। फाइनली आप सभी लोगों ऑक का स्किन आ सकता है हमारे इंक्यूबेटर के अंदर और कितनी ज्यादा ओपी वाली एनिमेशन है। सबसे पहले जो वेपन है ना मुझे सबसे ज्यादा ओपी वाली एनिमेशन लगती है इसके रेड कलर वाली। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं सबसे अच्छी चीज आप सभी लोगों को इस इंक्यूबेटर की ये रहेगी कि अगर आप सबसे लास्ट वाली भी अगर ओपन कर दे तो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा ओपी वाले थोड़े बहुत एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत लेजेंडरी स्किन देखने को मिल सकती है। बट आप सभी लोगों को पता है कि इंक्यूबेटर का सबसे लास्ट वाला जो बंडल होता है या फिर वेपन होते हैं उसके अंदर ज्यादा अगर एनिमेशन नहीं होते, बट आप सभी लोगों को इस ऑक की स्किन के अंदर काफी ज्यादा ओपी वाला एनिमेशन देखने को मिल जाएगा लास्ट वाली गन के अंदर। लिटरली आप सभी लोगों को काफी ज्यादा ओपी ओपी वाली इसकी एबिलिटी देखने को मिलने वाले। सबसे बेस्ट वाली तो सबसे पहली वाली होती है, आप सभी लोगों को पता ही होगा इंक्यूबेटर के सबसे बेस्ट वाली जो वेपन है वो रेड कलर की है। काफी ज्यादा बढ़िया इसकी एबिलिटी और काफी ज्यादा तगड़े वाला इसके एनिमेशन है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया वाला है। बट कलर इसके कंफर्म डेट के ऊपर कब हमारे नेसर में आएगा, पहले हमारा जैसा ये इंक्यूबेटर चेंज होगा वैसे हमारे नेसर में कुछ इस तरह का नेक्स्ट इंक्यूबेटर आ जाएगा। और हाँ गाइस, अगर ये इंक्यूबेटर नहीं आता है बाय चांस, अगर ये इंक्यूबेटर नहीं आता है तो भाई लोग आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो हमारे इंडिया सर में अगर ये नहीं आता है तो कुछ इस तरह का बंडल वाला इंक्यूबेटर आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लिटरली आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो कुछ इस तरह का फीमेल मेल का अलग अलग बंडल रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको एक इंक्यूबेटर में ही मतलब फीमेल मतलब नहीं पहन सकते तो भाई लोग आप सभी लोगों को जिस तरह का बंडल रहेगा, लिटरली ये बंडल भी काफी ज्यादा बढ़िया वाला है। बट इसके अंदर आप सभी लोग ओनली फॉर 3 बंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे इस बंडल के काफी कम चांसेस है बट आप सभी लोगों को नेक्स्ट इंक्यूबेटर वेपन ही आ सकता है। बट आप सभी लोगों को पता है कि गैरेना का कोई भरोसा है नहीं, ये भी लेकर आ सकती है और वेपन भी ला सकती है। बट मेरा काम है आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना, तो मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। कोई भी क्रिएटर इतना ज्यादा आप सभी लोगों को डिटेल्स में बात नहीं करने वाला है। तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भाई लोग आप सभी लोगों की नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है, आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइनली आप सभी लोगों को नेक्स्ट इंक्यूबेटर हमारा पुराना इंक्यूबेटर आप सभी लोगों को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। और किस इंक्यूबेटर में बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, अभी तो फिलहाल के लिए वेपन का चल ही रहा है। बट आप सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो फाइनली हमारे न्यू इंक्यूबेटर मतलब जो हमारे पुराने इंक्यूबेटर वो भी रिटर्न आने वाले। इसके बंडल आप सभी लोगों को पता है जोकर इंक्यूबेटर का बंडल आप सभी लोगों को रिटर्न में दिया जाने वाला है। फाइनली आप सभी लोगों को ये इंक्यूबेटर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है, लिटरली मुझे इसके सारे के सारे जोकर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बात कर लेते हैं इसके कंफर्म डेट के। भाई हमारे जैसे ही यहाँ पे वेपन वाला इंक्यूबेटर खत्म होगा और हमारा जो अभी फिलहाल का जो बंडल वाला इंक्यूबेटर चल रहा है ये जैसे ही खत्म होगा और हमारा न्यू ऑक का इंक्यूबेटर आएगा, वैसे ही आप सभी लोगों को ये वाला बंडल वाला इंक्यूबेटर भी देखने को मिल जाएगा, जोकर वाला बंडल वाला इंक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई लोग, आप सभी लोगों के लिए और एक काफी ज्यादा ओपी वाली अपडेट निकल कर आ रही है। आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख, भाई लोग आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके अंदर आप सभी लोगों को और एक ओपी वाला न्यू फेडरल देखने को मिलने वाला है। और लिटरली इस फेडरल के अंदर आप सभी लोगों को जो हमारी फिलहाल एक ओपी वाली एम्पलीफाई की स्किन आई थी, आप सभी लोगों को टोकन टावर इवेंट के अंदर कुछ इस तरह के एम्पलीफाई की स्किन दी गई थी, बट आप सभी लोगों को रिटर्न के अंदर फेडेड विल के अंदर आ सकती है। ठीक है, और उसी के साथ पहले ट्रिपल ए कोलोब्रेशन का इमोट भी देखने को मिल जाएगा। बट अभी तक फिलहाल के लिए ग्रेना ट्रिपल ए कोलोब्रेशन का एक भी रिवर्ट अभी फिलहाल के लिए ऐड नहीं किया है। बट आप सभी लोगों को फाइनली कुछ इस तरह का फेडेड विल के अंदर ये इमोट देखने को मिल सके, ट्रिपल ए कोलोब्रेशन के इवेंट की इमोट। और भाई लोग आप सभी लोगों को कितनी ज्यादा ओपी वाली एम्पलीफाई की स्किन रिटर्न देखने को मिलने वाली है। पाकिस्तान सर में कुछ इस तरह का फेडेड विल लेकर आ चुके ग्रेना, तो काफी ज्यादा चांसेस है बहुत ही जल्द हमारे सर में भी कुछ इस तरह का फेडेड विल लेकर आ जाएगी ग्रेना। एनीवेज गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा होगा, मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑल पे सिलेक्ट ताकि फ्री फायर रिलेटेड ऐसे भी छोटी से छोटी अपडेट की आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं किसी न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।